सो फ्रेंड, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उन विषयों का जो हमें पढ़ने से रोकता है। जैसे आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हम आज़ाद हुए और अब हमारे पास जो जिस चीज़ से आज़ादी चाहिए, जिस चीज़ से हमें लड़ना है, वह है हमारे बुरे लाइफस्टाइल, हमारा जो समय गंवाने का जो तरीका है वो समय को ठीक ढंग से यूज नहीं करना, और फोकस्ड और प्राप्ति किसकी करनी है तो हमारे लक्ष्य की, हमारे सपने की, हमारे दृष्टि की। फ्रीडम स्ट्रगल उस समय में कोलोनियल के साथ था, औपनिवेशिक शक्ति के साथ था, और अभी हमारा जो फाइट है या लड़ाई है वो हमारे मस्तिष्क के साथ है। ये जो है ऊपर जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 12-13 घंटा कैसे पढ़े, आप एक नैप्स कैसे ले सकते हैं, कैसे आप टेक्निक कुछ आते हैं पोमोडोरो टेक्निक, हाइलाइटिंग टेक्निक, ऐसे बहुत सारे विषय पे बात की जाती है। पर फ्रेंड, जो सच्चाई है जिसको हम हार्ट्स ट्रूथ कह सकते हैं, वो है कि हमने इस वीडियो को कई बार देखने के बाद भी इसको अपने काम में नहीं लाया। एवरी टॉपर टेल्स यू दैट दे डिड फॉर एग्जाम्पल UI की रिविज़न, न्यूज़पेपर, नोट मेकिंग, ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर उन्हें सुन के हमको फ़ायदा क्या है अगर हम उसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करें। हमारा आज का वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है। सबसे पहले आप अपना एक वीकली स्क्रीन टाइम डिनोट करें, जैसे ऐसा आपको आपके मोबाइल पे मिल जाता है कि आप कितना समय किस ऐप के ऊपर किस रूप में बिता रहे थे। आप इसकी पहले एक लिस्टिंग कर लें तो ये एक मिरर का काम करेगा आपको बताने में। फ्रेंड्स, मैंने आज इंग्लिश को क्यों चुना तो इसकी वजह ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब अलग अलग उससे आते हैं, कमेंट्री या जो बैकग्राउंड साउंड है तो हिंदी है ही, इंग्लिश रहने से ये लाभ उन लोगों को भी मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश जो स्लाइड्स है उसको चुना है। डिस्ट्रैक्शंस जो हम लोग डेली फेस करते हैं, कहाँ से फेस करते हैं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील्स है, स्नैपचैट है, ऑनलाइन शॉपिंग, फिर ये फेसबुक अपडेट्स, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है यही हमारा डिस्ट्रैक्शन बन करके रहता है। और यही हमारा मेन जो है, युवा लोग इसको बहुत तेज़ी से अगर किसी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं तो यही वो चीज़ है जिसे बहुत तेज़ी से हम लोग एडॉप्ट भी कर लेते हैं। फिर अगर इस तरह के जो आपको डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ दिखेंगे तो इसमें ये बात ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकता है या ऐसा हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड एक्सेप्ट इट, चलो ठीक है ये मेरे डिस्ट्रैक्ट होने का रीज़न है। किसी के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स होगा, इंस्टा रील्स हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे ऐसे हमारे मोबाइल के पास ही टूल्स अवेलेबल है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है स्टडी से। पहले हम लोग इसका एक प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हम सुपर एडिक्टिव है, डेवलपिंग सुपर एडिक्टिव है तो क्यों है, क्योंकि इसमें डोपामिन वगैरह रिलीज होता है। फिर बहुत सारा हमारा जो प्रीमियर टाइम होता है उस ब्रेन को या फिर डोपामाइन को की संतुष्टि के लिए हम लोग वहाँ अपने बहुत सारे समय को गंवा देते हैं। अब बात यह आता है कि हम लोग अभी कहाँ हैं उसको एक ड्रॉ करें जो हमारे लिए डिस्ट्रक्शंस का काम कर रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया। तो हम पाएंगे कि ये सब हमें टेम्प्रोरली थोड़े समय के लिए एक हमारे फीलिंग्स को फूड फीड करता है ना। और इसके अलावा में क्या होता है, कोई एक है जो फिर वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कर ले रहा है। अच्छा, अब बात यह आती है कि हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डोपामीन का बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है ब्रेन में, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, जस्ट आपको स्क्रॉलिंग करना है और रील्स देखते जाने हैं, ये है। यूजेज जो है वो इसका दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आप ताक झाक कर ले रहे हो अच्छा खासा। जो ओवरऑल जो एल्गोरिदम बन करके आता है डाटा वॉलेट या इस सब का, तो आप अंत में ये पाओगे कि ये हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर एक टॉक्सिक साइकिल जनरेट कर दे रहा है और ये साइकिल लूप में चलते रहता है। जैसे यहाँ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कोई एक चीज़ आया, उसने डोपामिन को रिलीज कराया, अगर कराने में सक्षम रहा
तो फिर वो चीज़ एक लूप में चली जाती है और कंटिन्यूसली वही चीज़ होते 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 रहती है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट रील्स देखेंगे, फिर धीरे 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 करके पता नहीं कम हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और घंटों अपना समय उसके ऊपर बिताते हैं। सो नाउ अब इसमें है कि हम क्या क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो पहला जो तरीका आता है वो है कि इन सब के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया जाए, है ना। इसके बाद में क्या है, डाटा एक्सेस की परमिशन को मतलब अलाउ या डिसअलाउ ऐसा आप करके रख सकते हैं जिसमें परमिशन पूछी जाए कि डाटा का यूज करना है कि नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा आपको इस एल्गोरिदम तक भी नहीं चिपक करके रहना है, आपको बस वहाँ जा करके इन सब चीज़ों को नॉट अलाउड कर देना है। इसके बाद एक रीज़न हमें फाइंड आउट करना है इस पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, क्या किस कारण से हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड हमें पता नहीं होता है पर देखते देखते हम इसके आदि एक पैटर्न के आदि बन जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद मोबाइल चलाएंगे, फिर उसके बाद जब हम खाली बैठेंगे उस समय मोबाइल चलाएंगे, या जो भी हमको डिस्ट्रैक्ट करता है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि हम उन चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। सो ये पैटर्न हमें तोड़ना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की हो और आप सोते समय ऐसा कोशिश करते हो कि आप देख लो कि कितने सारे ब्यूटी आइटम्स लॉन्च हुए, तो आप सोते समय उस पैटर्न को तोड़ने के लिए वहाँ रिप्लेस करके कोई दूसरा काम डाल सकते हो। ये फर्स्ट तो आपको समझना होगा कि ये जो पैटर्न्स है ये बहुत साइंटिफिकली हमारे ब्रेन तक पहुँचाया जा रहा है और हम इस जाल में फंसते जा रहे हैं। सो ये अपने ब्रेन को जो फर्स्ट काम हमें कराना है वो है इस पैटर्न को तोड़ना, इस पैटर्न को ब्रेक करना। जब तक हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे हैं तब तक हम इस पे सक्सेस पा ही नहीं सकते हैं। अगला खुद से क्वेश्चन ये आप करके देखिए, हाउ इज दिस हेल्पिंग मी ऐसी माय ड्रीम्स और गोल्स, जो भी मेरा सपना है जो भी मेरा लक्ष्य है उसमें ये मेरा किस प्रकार मदद कर रहा है। इफ़ नॉट, यदि नहीं कर रहा है तब तो फिर आपको उस पैटर्न को ब्रेक करके वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, एक हवा जाता है दूसरा हवा रिप्लेस करता है, वैसे आपको रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, डेयर टू बी डिफरेंट, कुछ अलग होने का साहस तो करना ही पड़ता है। वैसे भी आप देखोगे कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, मीन्स जो कॉमन लोग होते हैं उनको टारगेट अचीव करने में बहुत परेशानियाँ आती है, और जो डिफरेंट होते हैं वही लोग जा करके टारगेट को अचीव करते हैं, पर वो डिफरेंट बनने का साहस हम नहीं कर पाते। सो क्या क्या चीज़ इन्वर्ट करना है वो देख लेते हैं। नॉलेज बिल्डिंग रियल जो हमारा कंसर्न्स है उसके बारे में सोचेंगे। डेवलपिंग हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस, जो हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस है इसको अब हमें डेवलप करना है। डिस्ट्रैक्शंस ही हम लोग रखेंगे लेकिन अब हेल्दी वाला रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल तब मैं YouTube ही चलाता था तो तब मैं ऐसा कुछ एक फिल्मी गाना या वो सब चीज़ देख रहा था जो मेरे लक्ष्य के लिए नहीं है। हो सकता है अगर आप एक सिंगर है, गायक है, उस क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ठीक है, लेकिन मेरे लक्ष्य के लिए वो ठीक नहीं था, मैं ऐसे चीज़ों को कर रहा था। तो अब उसमें हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस को डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे क्या करना है, उसके ज़रिए उसी YouTube के ज़रिए उन चीज़ों को पाने की कोशिश करना है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ देख लूँ, करेंट अफेयर्स देख लूँ, किसी टॉपर्स के स्ट्रेटजी जो अच्छी तरह से दी गई है उसको देख लूँ, और केवल देखूँ नहीं साथ साथ में मैं कुछ और काम करूँ, जैसे कि मैं एक डायरी रखूँ उसमें से नोट कर लूँ। इसके बाद में क्या है कि कभी भी मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स उस चीज़ को समझने में हो रहे हैं ना उसको वहाँ नोट डाउन करूँ पेन पेपर की मदद से। तो इससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब होते जाओगे और धीरे धीरे हमारा जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला सेक्टर है वो चेंज होकर के अब जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो हेल्दी वाला डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में इन करेगा। सो पहले ये काम करना है, नया हैबिट्स को लाना है, नए आदत को लेकर के आना है। इसके बाद जब भी आप इंगेज रहते हो तो आप एक चीज़ का अनुभव करते होगे। आप खुद से पूछो कि आप यहाँ इंगेज
क्यों हों, और आप यहाँ जो इनके इंगेज हैं हम, इसका रिजल्ट कहाँ जाकर के निकलता है, ये बार बार अगर हम इसको पूछते हैं तो ये हमें बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम स्टडी टाइम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड आउट योर व्हाई, किस रीज़न से आपने इस फील्ड को चुना, कौन सा ऐसा रीज़न था जिसके कारण आप इस प्रिपरेशन वाले फील्ड में, आप कैसे इसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं इस चीज़ को। इससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए ही हो लेकिन एक मोटिवेशन हमारे अंदर जनरेट होता है, ये सोर्स बन जाता है मोटिवेशन का, ठीक है। दूसरा, स्टडिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आती है अगली चीज़, जो हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे समस्या है कि ये मेरे पसंद की नहीं है, यू डोंट लाइक इट, तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हो, आप तनाव में आ जाते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यार फिर किसी दिन पढ़ेंगे, इसको तो समझ में नहीं आ रहा, इसको नहीं समझेंगे, इसको मुझे पसंद ही नहीं है तो मुझे क्यों पढ़ना है, और फिर आप तनाव कन्फ्यूजन इसमें जाते हो। और आप एक बात याद करके, आप एक बात ख्याल करके देखे होगे कि जब भी आप टेंस होते हो, जब भी आप तनाव में जाते हो, तो उसके ठीक बाद जैसे ही आप तनाव से निकलते हो ना, वो जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो बहुत तेज़ी से अपने तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। सो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। अपने सब्जेक्ट्स को जिसे हम नापसंद करते हैं उसके साथ अगर हम थोड़ा सा प्रेम करना शुरू कर दें तो हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या फैक्चुअल प्रॉब्लम है, दो तरह के ही प्रॉब्लम होंगी। अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जो कि 99% रीजन होता है, तो आप इन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को अपने टीचर के साथ बैठ करके इसे दूर करो, विषयों को समझो, और आप यकीन मानो कि कोई भी विषय जब आप पढ़ने लगोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको ट्रैफिक लाइट टेक्निक बोलते हैं, है ना। इसमें एक ग्रीन है, एक येलो है और एक रेड है। ये जो कंडीशन है जिसमें मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप येलो जोन में हो। ऐसे में येलो को ग्रीन में कन्वर्ट करने का क्या होता है रीज़न, जब तक वहाँ भी ट्रैफिक में भी यही होता है, येलो लाइट रहता है जब तक कि पूरा उस साइड का कचरा, उस साइड के यात्री नहीं निकल जाए, जब तक हमारे ब्रेन का पूरा उस साइड का कचरा नहीं निकल जाता तब तक ग्रीन सिग्नल हो ही नहीं सकता है। तो उसको येलो को ग्रीन में बदलने के लिए मेरे मन में जितने विचार चल रहे हैं उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मुझे मानसून समझ में नहीं आ रही, ज्योग्राफी का एक पार्ट है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल इशू है। आपने पता कर लिया कि आपके समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप इसे नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आप इसे नहीं पसंद करते, आप येलो जोन में हो। अब येलो से ग्रीन कब होगे, जब तक कि ये जो आ रहा ट्रैफिक है ये जब तक कि क्लियर ना हो जाए तब तक हमको ग्रीन नहीं मिलेगा। तो उस आ रहे टॉपिक को लिखना होगा, उस आ रहे ट्रैफिक को लिखना होगा, क्या क्या ऐसा है जो हमारे ब्रेन में ट्रैफिक बना करके रखा है। एक बार जब हम उसको, उस ट्रैफिक को लिख लेते हैं और अपने टीचर्स के साथ बैठ के या जैसे भी हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए ये येलो से ग्रीन में जाने का सिग्नल हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है अपने स्टडी टास्क को सिंप्लीफाई रखना। कई लोग हैं कि बहुत कुछ ऐसा सिंपली नहीं लिख पाते हैं, चार घंटा पढ़ना है क्या पता नहीं। इसके जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो कि हम पॉलिटी में आज राष्ट्रपति के कार्य को पढ़ेंगे। आप देखोगे कि ये आप आसानी से भी पढ़ लोगे और बहुत अच्छे तरह से आप इसको समझ भी लोगे, है ना। पहले राष्ट्रपति को मुझे पढ़ना है ये, इसके बाद में कुछ अपने मन के प्रश्न को उगाओ, उन प्रश्न को एक जगह लिख लो। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रपति होते क्या है, क्या काम करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, उन्हें क्यों पढ़ना है हमको हमारे सिलेबस के लिए, एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी सारे आपके पास है आप उनको लिख लो, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। डेफिनेटली आपको टाइम्स और इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझने लगोगे आप उसमें घुसते चले जाओगे और फिर एक नया वो क्या कहते हैं उसको, लूप जनरेट होगा, फिर एक नया लूपिंग एरिया जनरेट होगा जो आपको पढ़ाई की ओर अट्रैक्ट करेगा। देन
नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कुछ एक्शनेबल वर्ड्स है उसको हमको यूज में लाना पड़ता है। इसको आप पीपीटी के रूप में बना करके रख सकते हैं। ये है वो एक्शनेबल वर्ड्स, जैसे कि कोई एक रिसर्च टॉपिक आउटलाइन को ड्रॉ करना, डाटा को बनाना, डिज़ाइन वगैरह तैयार करना, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण लिया कि अगर मान लो कि आप एक पावर पॉइंट प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप पहले ये सब लेते हो ना, उस वो रिसर्च टॉपिक कौन सा है वो लेते हो, फिर उसके लिए एक आउटलाइन बनाते हैं हम, फिर उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप काम को करते जाते हैं। जनरली यही होता है, ऐसा ही होता है। जब हम लोग बात करते हैं अपने टारगेट की तरफ आने का, तो यहाँ 90% लोग इस वर्क को अप्लाई ही नहीं करते, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। जैसे ये जो एक्शनेबल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल मुझे सिलेबस कवर करना है, सेकंड होमवर्क कवर करना है, थर्ड मुझे पॉलिटी के इन चैप्टर को कंप्लीट करना, मीन्स जो एक्शनेबल वर्ड्स होता है जिसमें एक्शन छिपा हुआ हो, उन शब्दों को लिखना और उन्हें बार बार देखना, उन कार्यों को करना, ये आपको आगे बढ़ेगा और ये आपको एक्टिव बना करके रखेगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ भी होता है, इस स्टेप तक आने के बाद भी हम लोग फिसल जाते हैं। कई बार हम लोगों ने यहाँ तक का काम किया है कि हम लोग यहाँ तक आए, इसके बावजूद फिसल गए। अब बता रहा हूँ आपको एक्टिव रहने का कैसे है। आप एक्टिव रह सकते हैं एक्टिव अप्रोच के जरिए। जैसे आप मान लो कि आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते इसमें से आप कुछ कुछ चीज़ों को निकाल सकते हो। जैसे कि इसका कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हम लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए आर्टिकल 327-... अगर ऐसा कुछ मेंशनड है वो हमारे लिए कीवर्ड हो गया। देन आप खुद से उसका एक समराइज करो, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री योजना है ऐसा कुछ है तो उसका एक समरी बनाओ, है ना। एक ये चीज़ है जिससे आप एक्टिव रहोगे, मतलब आपका जो वो है ना, केवल बुक्स निकाल के पढ़ते जाना वो नहीं, खुद के ब्रेन से बना करके एक डाटा चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, तो ये आपको एक्टिव रखेगा। इन सब के बावजूद हमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन बार बार वो जब तक कि उस लूप से बाहर नहीं निकलता, उस सर्कल से बाहर नहीं निकलता, तब तक वो बार बार आपको ऐसा जहाँ भी उसे थोड़ा समय मिलेगा ना, वो आपको बार बार पिंच करेगा कि एक बार फिर से चलते हैं, बस 5 मिनट के लिए देख लेते हैं, थोड़ा देर ही तो देखेंगे, 2 रील देख के आ जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। वहाँ खुद को अलर्ट रखना है, वहाँ खुद को ये बताना है कि ये जस्ट एक सर्कल है जिसको मैंने अभी तक ड्रॉ किया था और अब इस सर्कल को तोड़ना है। 6 और लास्ट स्टेज है बिल्डिंग एंसर्स इंस्टेड ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाने के बावजूद ना आप एंसर्स तैयार करो, नोट्स बनाए जा रहे हो नहीं, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं आप उन प्रश्नों के आंसर को फाइंड आउट करो। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हो, आप इसके लिए खुद से खुद कुछ क्वेश्चंस और आंसर को आप वहाँ मेंशन करके रख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जिस समय हम लोग एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं वहाँ हमें अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलती है। एंड द लास्ट वन इज बी क्यूरियस, हमें उत्साही रहना पड़ेगा, हमें वो क्यूरियसिटी हमेशा रखना पड़ेगा। और ये रहेगा कैसे, आपको पता है आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं, किस विषय पे आपका फोकस रहता है, जहाँ पे क्यूरियसिटी छुपा रहता है ना। सो क्यूरियस होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस टॉपिक को हम यूपीएससी के जितने भी एंगल्स हैं उस सारे एंगल से पढ़ लें, और पढ़ने के पहले अपने मन में उन प्रश्नों को जागृत करके रखें कि मुझे इस प्रश्न को कंप्लीट करना है, तो हम क्यूरियस रह सकते हैं। इसके बाद क्या है, हमेशा एट द एंड हर कोई ही एक रिवार्ड की उम्मीद करता है, हमारा ब्रेन भी। अगर हम किसी एक दिन इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फिर अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिवार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रशंसा कर देते हैं, तो ये हमें नेक्स्ट टाइम अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। सो, बाकी आप इतने समझदार हो, आप जानते हो क्या अच्छा है, आप उसके ऊपर काम करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इस उम्मीद के साथ कि इस बार हम अपने अंदर के इन बुराइयों से लड़ पाए, इससे हमें फ्रीडम मिले और हम अपने लक्ष्य, अपने गोल को प्राप्त कर पाएँ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।